सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। जैसा कि तुमने थंबनेल और टाइटल देखा है, आज मैं बात करना चाहूंगा योंकोस के ओरिजिन को लेके। क्या तुमने कभी सोचा है आखिर योंकोस की शुरुआत किस प्रकार से हुई? नहीं सोचा ना? अगर सोचा भी था तो कभी जवाब नहीं मिला होगा। आज मैं तुमको हर एक चीज का जवाब दूंगा, बट उससे पहले एक जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो हर वन पीस फैन के लिए है। मतलब तुम अगर एपिसोड वॉचर हो तो भी देख सकते हो, अगर तुम मांगा रीडर हो तो भी इसे देख सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। तो बिंदास होके ये वीडियो देखो। जैसा कि मैं कह रहा था, योंकोस की शुरुआत कैसे हुई होगी? मेरा ये मानना, आज से 38 या 39 साल पहले जब गॉड वैली इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से ही योंकोस की शुरुआत हुई होगी। उससे पहले योंकोस न्यू वर्ल्ड पे राज नहीं करते थे, या फिर कह लो न्यू वर्ल्ड पे योंकोस का वजूद था ही नहीं। यहाँ पे तुम बोलोगे ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? गॉड वैली में क्या हुआ था वो बात तुमको अच्छे से मालूम नहीं है, ना ही मुझे ठीक से मालूम है। बस थोड़ा बहुत मालूम है वहां पर रॉक्स पायरेट वर्सेस रॉजर एंड मंकी डे गार्प का फाइट हुआ था, जहां पर गार्प और रॉजर जीत गए थे, रॉक्स पायरेट्स हार गए थे। गॉड वैली को मैप से ही नामो निशान मिटा दिया वर्ल्ड गवर्नमेंट ने। अब जिसको नहीं पता रॉक्स पायरेट्स में कौन कौन हुआ करते थे, उन्हें भी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, रॉक्स डी ज़ेबक के जो कमांडर ही थे ना, वो करंट के योंकोस है। वाइल्ड बियर्ड जो वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन था भाई, वो बंदा उसका फर्स्ट डिवीजन कमांडर था। लिलिन बिग मॉम जो अभी भी एक योंको है, काइडो उसके क्रू का सबसे वीकेस्ट बंदा था। सिकी द गोल्डन लायन जो पास्ट योंको था, जिसने चैप्टर जीरो रीड किया उसे मालूम है, प्लस कैप्टन जॉन, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है उसके क्रू में काम करते थे और उनका कैप्टन था रॉक्स डी ज़ेबक। अब मेरा ये मानना है, जब गॉड वैली इंसिडेंट खत्म हुआ, वर्ल्ड गवर्नमेंट ने क्या किया, सब चीज सबूत मिटा दिया, गॉड वैली को गायब कर दिया, रॉक्स पायरेट को कहीं डाल दिया या फिर मार दिया, उस बात का हमें ठीक से मालूम नहीं है। यहाँ तक कि गार्प को हीरो ऑफ द मरीन कहा जाता है, लेकिन अभी के लॉन्डो को साला पता भी नहीं रहता है कि गार्प को हीरो ऑफ द मरीन क्यों कहा जाता है। जैसा कि मैं कह रहा था, गॉड वैली इंसिडेंट खत्म होने के बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट ने नामो निशान मिटा दिया उस हादसे का, बट तुम अच्छे से जानते हो भाई, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट पूरा का पूरा रॉक्स पायरेट्स का इतिहास मिटा सकती है, वजूद मिटा सकती है, वो उसके क्रू के मेंबर्स के साथ क्या करेगी? और मुझे लगता है रॉक्स पायरेट के मिटने के बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया होगा उसके क्रू के मेंबर्स को भी पकड़ के जेल में डालना या फिर मार देना, बट वो लोग ये सब चीज करने में नाकामयाब हो गए। कैसे? व्हाइट बियर्ड था वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, उसने क्या किया, अपना अलग रखा, अपना क्रू बनाया, अपना फैमिली बसाया। वहीं लिलिन की बात कर तो लिलिन चल गई टोटो आइलैंड और उसको अपने कब्जे में ले लिया। और ये लोग बचने में कामयाब क्यों हो पाए, क्योंकि तुम भी जानते हो ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। रही बात काइडो की, तो काइडो को किसी ना किसी तरह से वर्ल्ड गवर्नमेंट ने पकड़ लिया और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। बात करूं बाकियों की, जैसे कि सिकी द गोल्डन लायन, तो सिकी द गोल्डन लायन वो भी एक योंको था, उसके पास डेविल फ्रूट पावर था फ्लोट फ्लोट फ्रूट का। प्लस एक बात मैं कहना चाहूंगा, जिसने चैप्टर जीरो रीड किया है, जहां पर हमें सिकी वर्सेस गार्प एंड सेनगोकू के बारे में पता चलता है, जिसमें हमें रॉजर वर्सेस सिकी के फाइट के बारे में पता चलता है, वहां पर जानते हो सिकी ने एक ऐसा सिचुएशन खड़ा कर दिया था रॉजर के सामने। कसम से बता रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर रॉजर पायरेट हार जाती, क्योंकि जिस हिसाब से सिकी ने उसके सामने फौज खड़ा कर दिया था ना, मुझे नहीं लगता कि रॉजर वहां से सरवाइव करके जीत पाता। अब हाँ, यहाँ पे उन लोगों की मैं बात करना चाहूंगा जो लोग सिकी को वीक समझते हैं। जिन लोगों ने वन पीस मूवी स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड को देखा है, उनको मैं जानकारी के लिए बता दूं, उस मूवी में सिकी के इज्जत का कचरा हुआ था। पहले ये समझ लो, वो मूवी मेन स्टोरी लाइन से बिलोंग ही नहीं करती है, इसी वजह से अपने दिमाग से वो चीज हटा दो। सिकी को हराने के लिए गार्प और सेनगोकू को हाथ मिला के साथ में फाइट करना पड़ा था, तब जाके सिकी हारा था। ऊपर से आधा मरीन फोर्ट तबाह हो गया था, और तुम्हें मालूम है उस फाइट में अकेला सिकी फाइट किया था उन दोनों के खिलाफ, तो समझ जाओ वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा। अब जैसा कि मैं कह रहा था, गॉड वैली इंसिडेंट के बाद सभी ने क्या किया, अपना अपना एक टेरिटरी पकड़ लिया न्यू वर्ल्ड में, और न्यू वर्ल्ड को अपने कब्जे में ले लिया। प्लस तुम यहाँ पे ध्यान दे सकते हो, मैं यहाँ पर तीन योंकोस को अभी तक रिवील कर चुका हूँ, चौथा योंको कौन था तुम्हारे दिमाग में जरूर उठ रहा होगा। चौथा योंको था अपना पायरेट किंग गोल्डी रॉजर। उस वक्त रॉजर पायरेट किंग नहीं बना था, उस वक्त रॉजर न्यू वर्ल्ड में ही घूमता था, और रॉजर को न्यू वर्ल्ड में एक एम्परर का टाइटल मिलने का सबसे बड़ा रीजन
उसने रॉक्स पायरेट को खत्म किया होगा। ऑब्वियसली बात है, गार्प के साथ हाथ मिला के उसने फाइट किया था और वो एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट मरीन्स के लिए भी हुआ होगा, जिससे मरीन तो डायरेक्टली पंगा नहीं लेना चाहेगी। इसी वजह से वो भी वन ऑफ द फोर योंकोस में से एक कंसिडर तो कर दिया गया। मेरे हिसाब से रॉजर ही होगा पहला योंको। तुम सबको पास्ट के फोर योंकोस रिवील कर दिया मैंने, रॉजर, वाइट बियर्ड, सिक्की और बिग मॉम। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, योंकोस का हटना कैसे शुरू हुआ। पहला जो बंदा था जिसने योंको के पोजिशन से हटना सही समझा वो था अपना रॉजर। क्यों मैं तुमको बताता हूँ, उसने जो वन पीस खोजा उसने लगभग सब कुछ जान लिया और उसके बाद उसने क्या किया, उसने बोला था वो बहुत जल्द आ गया, उसने अपने क्रू को डिसबैंड कर दिया, जिस वजह से क्रू अलग अलग हो गया और वो खुद एक योंको से हट गया। हाँ वो बात अलग है कि उसके बाद उसको पायरेट किंग कहा जाने लगा। अब देखो रॉजर ने जब खुद को एग्जीक्यूट करवा दिया तो उसके बाद उसने एक ग्रेट पायरेट एरा को जन्म दिया, जिससे इंस्पायर होकर बहुत सारे पायरेट ने न्यू वर्ल्ड तक सेल किया वन पीस को खोजने के लिए, और उन्हीं में से कोई ना कोई पायरेट निकला होगा जो आगे जाके बना होगा वन ऑफ द फोर योंको, जिसको हरा के अपना सैंक्स बना एक योंको। यहाँ पे तुम बोलोगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब हो सकता है तीन योंकोस ही हो। नहीं, ऐसा सीन नहीं है। मुझे जहां तक लगता है कोई ना कोई होगा जो चौथा जगह लिया होगा, जो रॉजर के जगह पे योंको बटा होगा, फिर गया होगा सैंक्स और सैंक्स ने किसी ना किसी तरह से उसे हराया होगा। हो सकता है अलायंस बना के हराया हो या फिर किसी ना किसी तरह से तो उसको हराया ही होगा। उसके बाद वो भी एक योंको बन गया, जो अपना सैंक्स है वो 6 साल पहले ही योंको बना है, प्लस उसे यंगेस्ट योंको कहा जाता है, मतलब जो उससे पहले योंको था जिसको शायद सैंक्स ने हरा के योंको बना वो इससे एज में बड़ा था। उसके बाद अभी फिलहाल के टाइम पे प्रेजेंट योंको कौन कौन है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। व्हाइट बियर्ड के मौत के बाद कौन बना, ब्लैक बियर्ड। फिर अभी सैंक्स भी एक योंको है, काइडो तो अभी है ही, हटा नहीं है योंको के पोजिशन से, और बिग मॉम भी एक योंको है। ये 4 योंकोस अभी करंट टाइम में, मतलब तुम समझ लो बहुत सारे योंकोस में फेर बदलाव हुआ है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, सैंक किसी योंको को हरा के ही योंको बना होगा, क्योंकि तुम देखो जहां तक हमें अभी तक दिखाया गया एक योंको बनने के लिए किसी योंको को टेक डाउन करना पड़ता है। वहीं अगर मैं बात करूँ हमारे मंकी डे लूफी की, तो लूफी भी इसी तरह से कुछ ना कुछ काम कर रहा है, वो जाके डायरेक्ट योंको से पंगे ले रहा है, और अगर वो काइडो को हरा देता है तो तुम भी जानते हो वो एक योंको बन जाएगा। खैर आज के लिए बस इतना ही था, आज जो भी मैंने बताया आई होप तुम्हारा सभी तरह से डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर तुमको कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना, प्लस ये वीडियो अगर तुमको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक मारना मत भूलना। साथ ही साथ अगर तुम घूमते घामते इस चैनल पे नए आ गए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना मत भूलना। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।